इंडिया हमारे महान देश के बारे में दोस्तों अभी भी पूरी दुनिया के लोग ना पूरे अच्छे से सच जान नहीं पाए हैं। वेस्टर्न मीडिया ने दोस्तों हमारे देश के बारे में इतने ज़्यादा झूठ फैलाए हैं कि आज बिना दूसरे देशों के लोग इंडिया को काफ़ी ज़्यादा गरीब देश मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि आज भी इंडिया बहुत ही ज़्यादा पछड़ा हुआ है, क्योंकि वो लोग नहीं जानते कि इंडिया कितना ज़्यादा तरक्की में आगे बढ़ चुका है। और आज के दिन बड़ी बड़ी कंपनीज में इंडियंस के चलते ही दोस्तों काम चलते हैं। लेकिन इस मिसकंसेप्शन को दोस्तों हम इस वीडियो में दूर करेंगे और जानेंगे कि आखिर कौन सी 10 बड़ी मिथ्स, कौन सी 10 बड़ी मिसकंसेप्शन पूरी दुनिया को हैं इंडिया के बारे में। तो चलिए, वीडियो बेहद ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है। वीडियो में हमारे साथ बने रहना, वीडियो बेहद ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। और कोल्ड ड्रिंक अभी से तैयार रखो। नंबर 10 पर नाम आता है दोस्तों, इंडिया इज़ ए पुअर कंट्री। बहुत सारे दुनिया के लोग आज भी मानते हैं कि इंडिया ना बड़ा गरीब देश है, लेकिन ये पूरा सच बिल्कुल ही नहीं है दोस्तों। भले ही जीडीपी पर कैपिटा के मामले में हमारा देश भले ही गरीब क्यों ना नज़र आ जाए, लेकिन अगर हम हर स्टेट के हिसाब से देखें तो बहुत सारी स्टेट्स इंडिया में आपको अच्छी खासी अमीर भी नज़र आएंगी और बहुत सारी स्टेट्स आपको गरीब भी नज़र आ जाएंगी। इंडिया दोस्तों असल में एक मिडिल क्लास लोगों की कंट्री है, जहां पर मिडिल क्लास की संख्या आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। और अगर गरीबी की ही दोस्तों बात करें तो इंडिया में गरीबी भले ही हो, लेकिन दूसरी तरफ सच बात ये भी है कि अमेरिका, जो कि आज के दिन दुनिया की सुपर पावर कंट्री मानी जाती है, वहाँ पर भी 4.5 करोड़ लोगों के आसपास लोग आपको गरीबी रेखा से नीचे रहते हुए नज़र आ जाएंगे। तो रिचनेस और पुअरनेस, ये तो दोस्तों दुनिया के हर कोने में आपको देखने को मिली जाएगी। और इंडिया में भी दोस्तों रिच लोगों की आपको कोई कमी देखने को बिल्कुल ही नहीं मिलती। और अगर हम बात जीडीपी ही की कर ले तो दोस्तों आज के दिन इंडिया की जीडीपी 3 ट्रिलियन US डॉलर को पार करने वाली है और हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी भी बन चुके हैं। नंबर 9 पर दोस्तों नाम आता है, इंडिया इज़ टर्टी। इस बात में दोस्तों वैसे कोई शक नहीं है कि इंडिया ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कम साफ है, लेकिन इंडिया को पूरी तरह से डर्टी कंट्री कहना भी बिल्कुल ही सही साबित नहीं होगा, क्योंकि आज के दिन इंडिया की बड़ी बड़ी सिटीज़ में दोस्तों आपको साफ़ सफाई का प्रबंध बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा देखने को मिलने वाला है। और अगर हम दुनिया के कुछ टॉप नॉच कंट्रीज़ की सिटीज़ की बात करें, जैसे कि लंदन या फिर न्यूयॉर्क की, तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको स्ट्रीट्स पर कचरा नॉर्मली ही देखने को मिल जाएगा। तो इंडिया में भी दोस्तों काफ़ी सारी आपको डर्टीनेस देखने को मिलेगी, लेकिन पूरी तरह से इंडिया को एक डर्टी कंट्री कंसीडर करना ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि आज के दिन इंडिया में बहुत सारी आपको ऐसी मॉडर्न लेवल की सिटीज़ देखने को मिलेंगी, जहाँ पर आपको गंदगी का कोई भी कोना नज़र नहीं आएगा। और फोकस अगर हमारी सिर्फ सिटीज़ के ऊपर रहेगी तो बिल्कुल ही सही बात नहीं होगी, क्योंकि इंडिया की पहचान है उसके असली टाउन्स, और पूरे एशिया का सबसे ज़्यादा क्लीन टाउन हमारे इंडिया में ही देखने को मिलेगा, जो कि है मालदूंग। असल में दोस्तों ये कमाल का टाउन मेघालय में आपको देखने को मिलेगा, और इससे ज़्यादा साफ टाउन आपको पूरे एशिया में ही कहीं भी नज़र नहीं आने वाला। तो अगर सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट लेवल के टाउन्स इंडिया में है, तो इंडिया दोस्तों एक डर्टी कंट्री कैसे कंसिडर की जा सकती है। नंबर 8 पर दोस्तों नाम आता है, इंडियंस आर अनएजुकेटेड। एक समय हुआ करता था जब दोस्तों हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय 1947 के साल में इंडिया की लिटरेसी रेट थी सिर्फ 12%, लेकिन आज के दिन इंडिया की लिटरेसी रेट लगातार बढ़ते हुए पहुंच चुकी है तकरीबन 77.82% के आंकड़े के भी पार। ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आंकड़ा है दोस्तों इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हुए, क्योंकि तकरीबन 135 करोड़ से ज़्यादा की आबादी में आज के दिन आपको इंडिया में 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोग वेल एजुकेटेड देखने को मिल जाएंगे। तो इस बात में कोई शक ही नहीं है कि पॉपुलेशन ज़्यादा होने के बाद भी दोस्तों इंडियंस ने स्टडी पर अच्छी तरह से फोकस किया, स्पेशली पिछले 25 सालों में इस फील्ड में दोस्तों इंडिया काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। और जो लोग दोस्तों इंडिया को एक अनएजुकेटेड कंट्री मानते हैं, उनको इस बात पर भी फोकस रखना चाहिए कि अमेरिका की बड़ी बड़ी जाइंट कंपनीज में, चाहे माइक्रोसॉफ्ट की बात हो, एप्पल की बात हो, आईबीएम की बात हो, या फिर बात अमेज़न और गूगल की ही क्यों ना आ जाए, इन सब में 30% से भी ज़्यादा लोग इंडियंस हैं। नंबर 7 पर दोस्तों नाम आता है, इंडियंस आर नॉट अलाउड टू डेट।
शायद आपको ये बात जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो सकती है कि कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग आज भी ये मानते हैं कि इंडिया में ना डेटिंग पूरी तरह से बैन है, और बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग समझते हैं कि इंडिया में कोई भी लड़का या फिर लड़की कभी भी आपस में डेटिंग नहीं कर सकते, डेटिंग इंडियन कल्चर के ख़िलाफ़ है। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है इंडिया को लेकर। इंडिया में आज के दिन ऑनलाइन डेटिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, और दोस्तों डेटिंग को लेकर यहाँ कोई भी प्रतिबंध नहीं है। चाहे कोई भी किसी भी धर्म का क्यों ना हो, यहाँ किसी के साथ भी आप डेट पर जा सकते हो, क्योंकि इंडिया में डेटिंग को लेकर पूरी फ्रीडम मानी जाती है। नंबर 6 की ही बात करें तो नाम आता है ऑल इंडियंस आर हिंदूस। वैसे इंडिया जो कि हिंदुस्तान यानी हिंदुओं का दोस्तों ये देश माना जाता है, लेकिन ये पूरी बात सच बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंडिया में हर धर्म के लोग बड़े ही ज़्यादा मिल बांट कर रहते हैं। ज़्यादातर वेस्टर्न नेशंस ये सोचते हैं कि इंडिया ना सिर्फ हिंदुओं का देश है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया में आपको इस्लाम धर्म के लोग भी देखने को मिलेंगे, बुद्ध धर्म के लोग भी देखने को मिलेंगे, क्रिश्चियंस की भी यहाँ संख्या अच्छी खासी है, और इसके अलावा जैन धर्म और सिख धर्म के लोग भी दोस्तों इंडिया में ही आपको रहते हुए नज़र आ जाएंगे। और इतनी ज़्यादा विभिन्नताओं वाला देश आज के दिन आपको बहुत ही ज़्यादा कम लेवल पर देखने को मिलेंगे। नंबर 5 की बात करें तो नाम आता है दोस्तों ओनली हिंदी लैंग्वेज। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इंडिया में ना लोगों को सिर्फ हिंदी लैंग्वेज ही आती है, लेकिन दोस्तों ये तो सही में एक बहुत ही ज़्यादा अलग ही लेवल का मिसकंसेप्शन है, क्योंकि इंडिया में लोगों को इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा नॉर्मली आती है, और हर स्टेट के हिसाब से लोगों की अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है। सीधा सीधा कहूँ तो दोस्तों ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस को आज के दिन 3 लैंग्वेज आती हैं, जिसमें कि पहली लैंग्वेज दोस्तों उनकी स्टेट की जो भी हो। जैसे कि इंडिया में दोस्तों अगर हम पंजाब में बात करें तो पंजाबी लैंग्वेज सभी को आती होगी, हरियाणा में हरियाणवी, इसके अलावा महाराष्ट्र में मराठी, और तमिल लोगों को दोस्तों तमिल भाषा आती होगी। लेकिन इसके अलावा भी ज़्यादातर लोगों को साथ में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज भी अच्छे खासे तरीके से आती है। और पूरी दुनिया में दोस्तों आज के दिन इंग्लिश बोलने वाले देशों की लिस्ट में इंडिया नंबर 2 पर आता है यूनाइटेड स्टेट्स के बाद। इंडिया में आज के दिन 17 करोड़ से भी आपको ज़्यादा ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे जो बड़ी ही ज़्यादा आसानी से इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाते हैं। नंबर 4 पर नाम आता है स्नेक चार्मर्स आर एवरीवेयर। अभी भी दुनिया भर में दोस्तों ये बड़ी ही पुरानी मिथ फैली हुई है कि इंडिया आखिरकार एक सपेरों का देश है, लेकिन ये कितनी ज़्यादा अलग लेवल की और पुरानी मिथ है कि दोस्तों वेस्टर्न कंट्रीज़ को अब थोड़ा तो हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जान ही लेना चाहिए। इंडिया दोस्तों आज के दिन कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है वेस्टर्न कंट्रीज़ के ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। इंडिया में डॉक्टर्स की दोस्तों बहुत ज़्यादा आपको संख्या देखने को मिलेगी, सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स पैदा करने में इंडिया बेहद ही ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। और इसके अलावा दोस्तों अमेरिका के बाद इंडिया ही सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स के मामले में भी आगे बढ़ चुका है। अगले 10 सालों में इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा होने वाली है, और शायद तब वेस्टर्न कंट्रीज़ को पता चलेगा कि इंडिया कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। नंबर 3 की ही बात करें तो नाम आता है ऑल इंडियन फूड्स आर स्पाइसी। वैसे ये बात बिल्कुल सच है कि इंडियन फूड्स माने ही जाते हैं अपनी स्पाइसी मज़े के लिए। दुनिया भर में जितना मसाला इंडियन खानों में यूज़ होता है उतना कहीं पर नहीं होता, लेकिन ऐसा बात भी बिल्कुल नहीं है कि इंडिया में दोस्तों सिर्फ स्पाइसी खाने ही आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया में बहुत सारी मिठाइयाँ भी आपको चखने को मिल जाएंगी, जैसे कि दोस्तों गुलाब जामुन, रसगुल्ला, या फिर मिल्क केक और बर्फ़ी की ही बात क्यों ना कर लें। और इसके अलावा भी बहुत सारे आपको ऐसे इंडियन फूड्स देखने को मिल जाएंगे जहां पर स्पाइस की काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलती है, और हर टाइप के हर वैरायटी के फूड्स आपको इंडिया में चखने को मिल जाएंगे। नंबर 2 पर दोस्तों नाम आता है इंडियंस आर वेजिटेरियंस। वैसे ये बात बिल्कुल सच है, दुनिया भर के लोग सोचते हैं कि इंडिया में आपको वेजिटेरियंस ही देखने को मिलेंगे, तो दोस्तों इंडिया के 40% लोग आज भी आपको फुल्ली वेजिटेरियन ही देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा 60% लोग इंडिया में ऐसे हैं जो डेली बेसिस पर ही दोस्तों आपको नॉन वेज खाते हुए, फिश खाते हुए, एग खाते हुए या फिर मीट खाते हुए नज़र आ जाएंगे। और पिछले अगर 30 साल की रिपोर्ट को गौर से देखा जाए तो दोस्तों इंडिया में वेजिटेरियंस की संख्या लगातार कम हुई, और नॉन वेजिटेरियंस की संख्या लगातार बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है। नंबर 1 पर नाम आता है इंडिया इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा।
महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? अगर आप इंडिया में भी आज भी ये पूछे तो बहुत सारे लोगों का ये जवाब रहता है, खुद इंडियंस का ये जवाब रहता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म इंडिया में हुआ। हालांकि दोस्तों ये बात बिल्कुल ही सच नहीं है, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि उन्हें ज्ञान की असली प्राप्ति इंडिया में ही हुई थी और उन्होंने अपना ज़्यादातर जीवन सिर्फ इंडिया में रहकर ही बिताया था। और आज भी अगर मैं आपको कहूँ तो तकरीबन 7.5 मिलियन भारतीय ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म का पालन करते हुए आपको नज़र आते हैं। वैसे हमारे अपने देश इंडिया की वीडियो है तो दोस्तों आपको शेयर तो ये ज़रूर करनी चाहिए, और ऐसी वीडियोस आपके लिए हमें डेली लानी है तो चैनल आपका अपना है रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।